फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैना आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसोमनिया की, अनिद्रा की, स्लीपलेसनेस जिसे हम बोलते हैं या नींद नहीं आना हम बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या कॉजेज हैं, क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नींद हमारे लिए, एज हमारे माइंड के लिए, एज ए डाइट है, जैसे हमारी बॉडी के लिए खाना जरूरी है वैसे हमारे ब्रेन के लिए नींद बहुत जरूरी है। और हमें अच्छे से नींद आती है तो हम हमारा 100% दे सकते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसमें हम हमारा 100% दे सकते हैं। तो नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये जो नींद है, जो स्लीप है, वो हर पर्सन की वैरी करती है। किसी को 5 से 6 घंटे की नींद भी अच्छे से सफिशियंट होती है, किसी को 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए वो उनके लिए सफिशियंट है। तो हर पर्सन के अलग अलग वैरी करती है। हाँ, अगर आप सो के उठे हैं और उसके बाद भी आपको इरिटेशन हो रहा है, चिड़चिड़ापन रह रहा है आपको, आपको किसी काम करने का मन नहीं कर रहा, आपको सकता और सो जाऊं, डलनेस डिजीनेस रहती है, तो ये आपका जो है आपकी नींद जो है प्रॉपर हुई नहीं है। और नींद प्रॉपर नहीं हो और वो कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहे तो ये डिप्रेशन मेनिया का कारण हो सकता है। तो नींद होना बहुत जरूरी है। इसके क्या क्या कॉजेस है? तो सबसे पहला कॉज है इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। आजकल सबसे ज्यादा इसका कॉज हो गया इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, क्योंकि हमको ध्यान नहीं रहता, हमको टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है, टाइम हमारे लिए नहीं रखता कि सोना जरूरी है, हमको दिन भर काम ही रहता है। तो सोने के लिए हमको एक प्रॉपर टाइम चाहिए, हमारी बॉडी को हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक बना के रखना पड़ता है कि हाँ इस टाइम पे आपको सोना है। तो हमारी बॉडी अपने आप रिलैक्स होने लग जाती है और अपने आप हमारी नींद हमको आने लग जाती है नेचुरली। लेकिन उसके लिए जो इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल है उसको ठीक करना पड़ेगा। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज कीजिए, आप प्रॉपर खाना डाइट, अगर रात में आप डिनर में कुछ हैवी मील लेते हैं, अच्छे से नहीं खाते तो वो खाना आप लाइट मील्स लीजिए। अगर आप प्रॉपर टाइम पे सोने नहीं जाते, एक फिक्स टाइम पे सोने नहीं जाते तो वो आपको करना होगा। तो ये इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल बोला जाता है। कई बार हमारे को कुछ पेन्स के कारण भी नींद नहीं आती, कोई पेन है, कोई डिजीज है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें पेन बहुत होता है, थायराइड है, थायराइड में भी नींद नहीं आती हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण, मीनोपोजल एज है, मीनोपोज में भी नींद नहीं आती, वो जो हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, बर्निंग होती है उसके कारण नींद नहीं आती। तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस कुछ पेन्स के कारण हमको नींद नहीं आती। कई बार मेंटल कंडीशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, आप कंटिन्यूसली किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, डर लग रहा है आपको, तो आपको नींद नहीं आएगी। और कई बार बहुत जो कारण मैं देखती हूँ आजकल वो है स्टिमुलेंट्स। जो स्टिमुलेंट्स है वो है टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ये मेन इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ही आप इनके सामने आते हैं और आपको नींद भी आ रही हो, अगर आपका कुछ फेवरेट आ रहा हो तो वो आपको इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आप उसमें ही रह जाते हैं और नींद भाग जाती है और फिर बाद में नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये इनको आपको हटाना होगा आपके बेडरूम से। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये आपको कारण पता है तो आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहले आती है कैलीफॉस। ये बायोकेमिक है लेकिन ये होम्योपैथिक का ही एक पार्ट है। कैलीफॉस 6x में लीजिएगा, 4 पिल्स दिन में 3 बार। ये नर्व्स पे काम करती है, इसे नर्व टॉनिक बोला जाता है। और हमारी नींद में नर्व्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिलैक्स करने के लिए। तो कैलीफॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर आपको नींद नहीं आती तो आप कैलीफॉस ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है प्लेसिफोरा। प्लेसिफोरा क्यू में लीजिएगा, प्लेसिफोरा क्यू 20 ड्रॉप्स 1/2 कप पानी में डाल के आपको दिन में 3 बार लेना है। इससे भी आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, जो चिड़चिड़ापन रहता है, जो आपको अनइजी फील होता है दिन भर नींद नहीं आने के कारण, आपको उसमें फायदा होगा। आप ये ले सकते हैं, कुछ दिनों तक लेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्निशिया। अगर आप फीमेल हैं और आपको मीनोपोजल एज है और आपको इरिटेशन होता है, आपको गर्मी बहुत लगती है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं, तो इग्निशिया 2 ड्रॉप्स टंग में डाल लीजिए तो आपको बहुत फायदा होगा। कुछ दिन तक लेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटीला। पल्सेटीला जो मेडिसिन है, जैसे इग्निशिया मैंने बनाया मीनोपोजल के, पल्सेटीला
अगर आप प्यूबर्टी की एज है और आपके मेंसेस इरेगुलर है और आपको बहुत एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, आप सहमे सहमे रहते हैं, तो आपको पल्सेटिला 30 बहुत अच्छा काम करती है। आप वो 2 ड्रॉप्स डाल लीजिए, कुछ दिन तक डालेंगे टंग में और दिन में 2 बार, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ये कुछ मेडिसिन थी जिनसे स्लीप में बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आपको ये मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपने सिम्टम्स लिख के दे सकते हैं, मैं उनके मेडिसिन आपको बता दूंगी, नहीं तो किसी कोई अच्छे होम्योपैथ के पास जाके आप बता दें। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं स्लीपलेसनेस की, और इसका कोई एडिक्शन नहीं होना, आप इससे एडिक्ट नहीं होंगे। आपको कुछ दिनों तक लेना पड़ेगी, लेकिन उससे आपका इम्यून पावर, जो आपका वाइटल फोर्स है, वही स्ट्रांग हो जाएगा और आपको अपने आप ही नींद आने लग जाएगी, तो इसका आपको इसको एडिक्शन नहीं होगा, आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने पिक्चर लगाया हुआ है, आई पॉइंट, थर्ड आई पॉइंट, ये जो है जहां मैंने बिंदी लगाई हुई है, इसको आपको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज 10 टाइम्स करना है। इससे जो आपका ब्रेन है वो रिलैक्स हो जाएगा, आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपको नींद आने लग जाएगी। ये आपको सोने के 15-20 मिनट पहले स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आप ईयर के आजू बाजू आपको अच्छे से मसाज करना है, हल्के हाथों से ये फिंगर्स के थ्रू आपको अच्छे से मसाज करना है, ये 10 टाइम्स करना है, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करना है, मैंने पिक्चर लगाया हुआ है, तो ये आप करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेक के पीछे जो मैंने पिक्चर लगाया है, वहां पे भी आपको हल्के हाथों से 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपको नींद आ जाएगी। तो ये कुछ आप करके देखिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। सब्सक्राइब जो रेड कलर में लिखा हुआ है उसको दबा दीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल आपके लिए हेल्प करने के लिए हम मेडिसिन और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में हम बात करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।